सो गाइस आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह अभी बाइक की कंडीशन है। तो फाइनल आउटपुट आपको अलग ही दिखने वाला है, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो क्या चमक रही है, मतलब इतना क्रिस्टल और क्लियर जो काम हुआ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि बाइक नया ही है। देखिए अभी भी मतलब जो डिटेलिंग है प्रॉपर हुई है। यहाँ पे कार्स बाइक्स का सब काम होता है। कार्स का नॉर्मली डेंटिंग पेंटिंग से लेकर सिरामिक कोटिंग पीपीएफ ये सब काम होता है। बाइक्स का सिरामिक कोटिंग पीपीएफ और डिटेलिंग ये सब काम होता है। लुमार, गरवारे ये सब ब्रांड्स आप अपने यहाँ पे मिलेंगे, और सिरामिक कोटिंग में नॉर्टन हो गया, मैक्स प्रोटेक्ट, ये बड़े बड़े ब्रांड्स आपको अपने यहाँ पे मिलेंगे। तो हे गाइस वेलकम बैक टू लिशन राइड, और आज हम आए हमारे बाइक का डिटेलिंग वीडियो शूट करने के लिए। बहुत दिनों से बाइक में कुछ स्क्रैचेस थे, वो कम करने थे, तो उसके लिए हम फाइनल आ गए योगेश डिटेलिंग स्टूडियो, ये अपने फ्रेंड का ही है। तो चलिए जाते हैं स्टूडियो के अंदर। तो आप बाइक की कंडीशन देख सकते हो, कुछ ऐसे है बाइक की कंडीशन अभी। नॉर्मली यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस है, कुछ इस प्रकार है बाइक की कंडीशन। और अभी हम जानते हैं हमारे भाई के साथ। हेलो हेलो, तो ये है नमस्कार योगी, डिटेलिंग योगी के ओनर। तो हम अभी क्या क्या कवर करने वाले? डिटेलिंग में नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले गाड़ी का डिप क्लीनिंग होता है। डिप क्लीनिंग में गाड़ी पे से टार निकाला जाता है, और पूरा सालों से जमा हुआ जो भी गंदगी है पूरा कंप्लीट निकाला जाता है। हमारे पास अलग अलग तरह के केमिकल्स है, उससे हम लोग डर्ट निकाल देते हैं। okay. और वो करने के बाद हम लोग पूरा पॉलिशिंग करेंगे गाड़ी को, और पॉलिशिंग करने के बाद ड्रेसिंग करेंगे। और दो तीन स्टेप होता है, कम से कम डेढ़ से दो घंटा लग सकता है ये प्रोसेस के लिए। और यहाँ पे अगर मतलब आप क्या क्या करते हो इसके बारे में थोड़ी जानकारी? यहाँ पे कार्स बाइक्स का सब काम होता है। कार्स का नॉर्मली डेंटिंग पेंटिंग से लेकर सिरामिक कोटिंग पीपीएफ ये सब काम होता है। और बाइक्स का सिरामिक कोटिंग पीपीएफ और डिटेलिंग ये सब काम होता है। और अगर कार्स पे आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करवाना है, जैसे कि अगर पुराना आपका कोई इनोवा है या फिर फॉर्चुनर है या कोई भी गाड़ी है, उसको पूरा कंप्लीट मेकओवर करना है, वो भी करते हैं हम लोग। ऑल इन वन एक ही जगह पे आपको सब सर्विसेज मिल जाएंगे कार्स के लिए। हाँ, और आपका इंस्टाग्राम जो पेज है वो तो मैं हर वक्त देखता हूँ, पर मेरे यूजर्स को भी देखने के लिए आपको? मेरा इंस्टाग्राम पेज है योगी डिटेलिंग स्टूडियो, और फॉलो कीजिए भाई को और मेरे को भी। तो इंस्टाग्राम पे आपको ना उनका अपडेट मिलता रहेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, और सच्ची में मतलब अच्छा काम करते हैं। मैंने कल ही एक उनका एक रील शेयर किया था, जो ना लगता नहीं था कि उसको डेंट हुआ है करके, इतना अच्छा लगा मुझे। मतलब इतना क्लियर और क्लीन काम था वो डेंटिंग पेंटिंग, और जो डेंटिंग पेंटिंग है या फिर सिरामिक कोटिंग है, ये हमारा मेन यूएसपी है, जिसके पीपीएफ हो गया, ये यूएसपी है। हाँ, आपको लुमार, गरवारे ये सब ब्रांड्स आप अपने यहाँ पे मिलेंगे, और सिरामिक कोटिंग में नॉर्टन हो गया, मैक्स प्रोटेक्ट, ये बड़े बड़े ब्रांड्स आपको अपने यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, हमारा बाइक का जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह अभी बाइक की कंडीशन है। तो फाइनल आउटपुट आपको अलग ही दिखने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। और बाइक का पूरा एक बार राउंड देख लीजिए कैसे दिख रहा है अभी बाइक का पार्ट्स, उसके बाद जो एंडिंग में होगा वो माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे बाइक का अभी क्या कंडीशन है, क्रिस्टल क्लियर व्यू है अभी भी, देखते हैं फाइनल आउटपुट।
सो गाइस फाइनली हमारी बाइक रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो क्या चमक रही है, मतलब इतना क्रिस्टल और क्लियर जो काम हुआ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि बाइक नया ही है। देखिए अभी भी मतलब जो डिटेलिंग है प्रॉपर हुई है, वर्थ है, मतलब आप यहाँ पे आके कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ का पोर्शन देखिए, ये पूरा डल हो गया था, पूरा अभी शाइन कर रहा है, मतलब ये जो पार्ट है ये थोड़ा मैट है फिर भी ये शाइन कर रहा है। तो एक बार पूरी बाइक दिखा देता हूँ आपको, इसको नहीं किया हमने बाइक के लिए, हमने ये सिर्फ किया था ये ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे कितना शाइन कर रहा है ये भी, और मेरे तो अभी हेडलाइट के अंदर से ही डस्ट है तो ये हम ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाए, पर बाहर से पूरा क्लियर हो चुका है अभी। लगता है ये विंडशील्ड, सो कुछ इस प्रकार हमारी बाइक की अभी डिटेलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए, जैसे कि हमारे भाई ने बताया आपको कि यहाँ पे कैसे आना है। नॉर्मली जो डिटेलिंग किया, डिटेलिंग प्लस पॉलिशिंग, इसका 2000-2500 के बीच में कॉस्टिंग होता है। जैसे कि कोई इंडियन बाइक है तो मतलब 1500 से 2000 या 2500, जैसे काम हो गाड़ी में उस हिसाब से, मतलब जैसे कि गाड़ी में बहुत काम रहता है, किसी गाड़ी में कम काम रहता है, तो इस हिसाब से कॉस्टिंग होती है। और रही बात स्पोर्ट्स बाइक और प्रीमियम बाइक्स की, तो उसका कॉस्टिंग है 3000 से 3500 के आसपास डिटेलिंग का कॉस्टिंग है। अगर आपको सिरामिक कोटिंग करना है तो 4500 से 8500 तक वो सिरामिक कोटिंग का कॉस्टिंग है। अगर PPF करना है तो मिनिमम 10,500 से स्टार्टिंग है। ये हो गया बाइक्स के लिए, और जो कार्स के लिए डिटेलिंग का कॉस्ट है तो मिनिमम 3,500 से स्टार्ट होता है कार्स के लिए। और मैक्स टू मैक्स जैसे बड़ा गाड़ी हो कोई, जैसे इनोवा हो गया या कोई फॉर्चुनर हो गया, तो ऑलमोस्ट उसका फुल डिटेलिंग का कॉस्ट 8,500 तक जाता है, मिनिमम कॉस्ट है ये। अगर उसमें कार का हर एक चीज़ पर ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कार का पेंट हो गया, इंटीरियर्स हो गए, इंजन बे हो गया, व्हील्स हो गए, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, फुल डिटेलिंग में ये सब कवर हो जाता है। मेरे पास कार्स और बाइक्स के लिए डिटेलिंग के लिए हर एक सर्विस अवेलेबल है, और कार्स का डेंटिंग पेंटिंग से लेके इंजन वर्क या फिर उसका सर्विसिंग हो गया, एवरीथिंग इज इन अंडर वन रूफ। सो आपको कुछ भी कार्स के लिए कुछ भी हो तो हमारे पास आ सकते डायरेक्टली, मतलब जैसे कि कोई डेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंटल भी गाड़ी रिपेयर करते हैं हम लोग। जो मैंने किया डिटेलिंग वो कितने महीने में, बार बार मतलब कितने महीने के बाद करना चाहिए? जैसे कि बाइक जो है, अगर आप लंबे राइड पे कभी जाओ तो वो गंदी हो गई तो डिटेलिंग करने का जरूरत पड़ता है। मतलब डिटेलिंग मतलब क्या, डिप क्लीनिंग। हाँ, पॉलिशिंग, अगर गाड़ी पे ग्लॉस अच्छा है तो पॉलिश करने का जरूरत नहीं है, तो सिर्फ डिटेलिंग का कॉस्ट लगेगा। अगर गाड़ी का पेंट गंदा हो गया, जैसे पेंट रफ हो गया, तो अपने को पॉलिशिंग भी करना पड़ता है। हाँ, ये दो मेजर डिफरेंस है, डिटेलिंग पॉलिशिंग ये सब। डिटेलिंग में हर एक चीज़ इंक्लूड होता है, मतलब। और उसमें अगर कैसा होता है, जैसे कि डिटेलिंग करना है तो हम लोग देखते हैं गाड़ी में क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, अगर उसमें पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है तो वो हिसाब से चार्ज होता है। और अब 3-3 महीने में 6 महीने में डिटेलिंग करना चाहिए तो गाड़ी मेंटेन रहती है। सो जैसे आपकी बाइक है, जैसे अगर आपकी बाइक प्रीमियम होगी तो उसके हिसाब से आपको उसको रखना भी होगा। हाँ। तो आप बाइक लवर हो तो आपको पता ही होगा कि आप बाइक्स को आप कैसे ज़्यादा केयर कर सकते हो, तो डिटेलिंग उसी का एक पार्ट है, तो आप ज़रूर कीजिए। सो गाइस ये देखिए योगेश डिटेलिंग स्टूडियो, और ये उसका नंबर है 8898140013। यहाँ पे आप कॉल करके, और इनका इंस्टाग्राम का आईडी भी है, यहाँ से आप से कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये हमारे फाइनल मतलब जो बाइक है, आप देख सकते हो क्या चमक रही है। सो गाइस ये वीडियो यही तक था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।